जय गुरुदेव। आज मैं एक गुरु स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो ये गुरु स्टोरी मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन लगा कि शायद वीडियो के माध्यम से ज़्यादा डिवोटीज तक पहुँच सकती है। तो बात है आज से करीबन 10 या 11 साल पहले की। एक बार गुरुजी फॉरेन गए हुए थे और एक लंबे समय के बाद वापस आ रहे थे बेंगलोर आश्रम, करीबन 1.5-2 महीने के बाद। तो हम लोगों ने, 4-5 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना हम गुरुजी के दर्शन के लिए एयरपोर्ट ही चले जाते हैं। तो गुरुजी की फ़्लाइट आई करीबन 8:30 बजे के रात के। तो उसके दर्शन करने के बाद जब हम निकलने वाले थे तो एक लड़की मेरे पास आई, बड़ी प्यारी सी, हंसमुख एकदम, और मुझसे एक बड़ी मासूमियत से पूछा कि क्या मैं गुरुजी से पूछ लूँ कि क्या वो मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। तो पहले तो मुझे लगा कि मैं बोल देती हूँ कि चलो हम ही ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन फिर मुझे एक क्यूरियोसिटी हुई कि अगर गुरुजी इसको ड्रॉप करेंगे तो हम भी बोल देंगे कि हमें भी ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन फिर लगा कि गुरुजी ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये एक सेंसिबल मैसेज नहीं जाएगा कि कोई भी फिर तो आएगा और बोलेगा कि गुरुजी मुझे ड्रॉप कर दो, तो फिर तो यू नो एक ये सिलसिला बन जाएगा और फिर गुरुजी एक को ड्रॉप करेंगे और दूसरे को नहीं करेंगे तो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा, और ये तो एक सेंसिबल मैसेज तो नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं जानना चाहती थी कि गुरुजी क्या बोलते हैं फिर उसको। तो मैंने भी उसको बोला हाँ हाँ पूछो। तो वो गुरुजी के सामने गई और गुरुजी को बोला कि गुरुजी कैन यू प्लीज़ ड्रॉप मी ऑन द वे। तो गुरुजी शायद किसी से बात कर रहे थे, उसको लगा कि गुरुजी ने सुना नहीं, तो वो थोड़ा और आगे नज़दीक जाके बोली कि गुरुजी कैन यू प्लीज़ ड्रॉप मी ऑन द वे। गुरुजी उसकी तरफ बड़े प्यार से देखे, मुस्कुराए और ऐसे हल्का सा हाथ सर पे रखा और बोले आई नेवर ड्रॉप एनीबडी ऑन द वे। माई गॉड, ये सुनकर मेरे तो एकदम आंखों से आंसू आ गए, मन बस बिल्कुल वहीं पे ठहर गया, एकदम गदगद हो गया। ऐसा लगा कि जैसे खुद भगवान बोल रहे हैं कि यू नो मैं किसी को रास्ते में नहीं छोड़ता हूँ, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। उस लड़की का पिक्चर भी मैंने इस वीडियो में डाला है। खैर, उस लड़की को तो हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया, लेकिन इस अनुभूति के बाद मन को एक ऐसी तसल्ली मिल गई, एक ऐसी एश्योरेंस मिल गई कि ही इज़ ऑलवेज देयर। यू नो, मैं हर डिवोटी से यही कहना चाहूँगी कि आई नो कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं लाइफ में जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं है, लेकिन याद रखिए वो हमेशा हमारे साथ है। ही इज़ ऑलवेज देयर, ही इज़ नेवर गोइंग टू ड्रॉप अस ऑन द वे। जय गुरुदेव।